हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि लोकसभा चुनाव 2019 में किसकी सरकार बनेगी। जी हां, आपकी बार किसकी सरकार। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो बातें सामने आ रही हैं उनसे यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी जीत पर पूरा भरोसा, उसे ये लग रहा है कि हाल ही में आतंकी अड्डों पर जो हमला किया गया है उसके कारण नरेंद्र मोदी के पक्ष में माहौल बना है। इसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी को यह भी लगता है कि नरेंद्र मोदी द्वारा जो घोषणाएं की गई है और जिस तरह से अमल किया गया है उसको लेकर भी जनता का उन्हें समर्थन प्राप्त हो रहा है। हालांकि 3 राज्यों में भारी पराजय होने के बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ते में आ गई थी, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जो गरीबों को 10% का आरक्षण दिया गया है उससे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बन रहा है। कुल मिलाकर एयर स्ट्राइक को भी भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में बनाने की कोशिश करेगी और ये बताने की कोशिश करेगी कि आतंकवाद से लड़ने में सिर्फ नरेंद्र मोदी ही सक्षम है। भ्रष्टाचार और आतंक के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जंग लड़ी गई है और खासकर नरेंद्र मोदी द्वारा जो तेवर दिखा दिए गए हैं उसको लेकर भी उनके पक्ष में माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा दावा किया जाता है। कुल मिलाकर भारत के किसानों की दुर्दशा को रोकने के लिए और उन्हें समर्थन देने के लिए किसान सम्मान निधि का जो एक नया रोल मॉडल तैयार किया है भारतीय जनता पार्टी ने उसके कारण भी उनके पक्ष में माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस ने भी भारतीय जनता पार्टी के सामने बेहद कड़ी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। राफेल सौदे में कथित भ्रष्टाचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो माहौल बनाया जा रहा है और खासकर नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी द्वारा जो टारगेट किया जा रहा है वह बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है और राहुल गांधी अपनी हर सभा में यह नारा भी लगवाते हैं कि चौकीदार चोर है। कुल मिलाकर भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारत नहीं लाने का मुद्दा भी बेहद चर्चा में है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा नीरव मोदी का बंगला तोड़कर यह बताने की कोशिश की गई कि भगोड़ों के साथ उनकी कोई सहानुभूति नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़े उद्योगपतियों की मदद का भी एक आरोप लग रहा है और यह कहा जा रहा है कि किसानों और बेरोजगारों की उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी करती है। नोटबंदी और GST का व्यापक प्रभाव देखने को मिला है और ऐसा कांग्रेस का कहना है कि इसके कारण व्यापारियों का बेहद नुकसान हुआ है, धंधे चौपट हो गए हैं और अर्थव्यवस्था ठप हो गई है। इसको भी लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं और कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में लगी हुई है और यह भी कहा जा रहा है कि 3 राज्यों में चुनाव जीतने के पीछे यही मुद्दा कांग्रेस के पक्ष में काम कर रहा था। इसके अलावा सभी राज्यों में जो गठबंधन महागठबंधन बनने वाला है और उसको लेकर जो विपक्षी दल हैं जिनमें कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार है, चंद्रबाबू नायडू है, शरद पवार है, तेजस्वी यादव है और MK स्टालिन है, ये अगर एक साथ मंच पर आते हैं और महागठबंधन बनाते हैं तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन सकता है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के गणित भी बदल रहे हैं, जहां पर भारी भरकम सीटें हैं यहां पर बबुआ और बुआ जी के बीच जो तालमेल हुआ है उसने भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम कर रखी है। कुल मिलाकर राहुल गांधी के तेवर भी बहुत अलग ढंग से नजर आ रहे हैं। अब वे पहले सरी के पप्पू नहीं रहे, उनके तेवर बहुत तीखे हैं और यही वजह है कि अब इस चुनाव में निर्णायक स्थिति बनने वाली है। सवाल यही है, अब की बार किसकी सरकार। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।